हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ राबिया सिद्दीक सी एच। तो आज की वीडियो में मैंने सोचा कुछ ड्राइंग करते हैं, क्योंकि पूरा दिन वेला था, मैंने कोई भी काम नहीं किया, मैं लेटी नहीं, मेरे पेट में दर्द हो रही है, तो इसलिए मैं उठी नहीं बैठ से। तो मैंने सोचा अभी हम क्या करते हैं, ड्राइंग कर लेते हैं। मेरा दिल भी कर रहा था, मेरे दिमाग में कोई भी ड्राइंग आती है ना, मैं आजकल फ्री हूँ तो मैं थकी भी नहीं होती, मतलब मैं कुछ करती तो नहीं, घर का काम भी नहीं मैं करती क्योंकि मैं वेली हूँ पूरी। आप भी होती है घर पर तो वो सारा कर लेती, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। तो ये है कि मैंने अब बस सोचा ड्राइंग बनाऊँ, मेरे दिमाग में कोई भी ड्राइंग आती है ना तो मैं फ़ौरन बना लेती हूँ, और मैं बहुत ही ज़्यादा मुश्किल मेरे दिमाग में चीज़ें आती, छोटी मोटी चीज़ें मैंने बचपन में ही बड़ी ड्राई कर ली हैं। मैं बचपन से, मैं जब 6 साल की थी ना, मैं तब से ड्राइंग कर रही हूँ, मुझे इतना पसंद है ड्राइंग करना, आर्ट एंड क्राफ्ट मुझे शुरू से ही आता था। मतलब होता है ना, एक अल्लाह ताला ने आपके अंदर टैलेंट डाला होता है, हर बंदे के अंदर कोई ना कोई खूबी डाली होती है, कई लोग ढूंढ लेते हैं और कई लोग नहीं ढूंढते, कई लोग दूसरों पर नज़रें रखने की कोशिशें करते हैं और वो दूसरों पर नज़रें रखते रखते पूरी ज़िंदगी उनकी गुजर जाती है, और कई लोग जो होते हैं वो उनको पता लग जाता है कि उनकी खूबी कौन सी है, लोगों को नहीं पता होता है कि उनकी खूबी क्या है, क्योंकि वो दूसरों के लिए मतलब होते हैं ना, और जिनको पता लग जाता है ना तो अपनी खूबी को ना काम में रहते हैं। जिस तरह मैं शरीफ इंसान हूँ, क्या करूँ, इसलिए मैं ड्राइंग करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा टैलेंट क्या है, बचपन से ही कर रही हूँ, मुझे कभी किसी ने रोका नहीं बल्कि अप्रिशिएट किया, मेरे मम्मा पापा ने भी, बहन भाई जब देख कर तारीफ करते हैं मेरा दिल करता है और बनाऊँ, तो बस इसीलिए फिर मैं ड्राइंग करती रहती हूँ। मेरे सिर्फ पेरेंट्स और बहन भाइयों ने ही तारीफ की है मेरे टैलेंट की, ना मेरे टीचर्स ने किया, ना मेरे दोस्त वैसे नहीं थे, और ना मेरे टीचर्स ने कभी तारीफ की है, क्योंकि टीचर्स तो, और ना कभी रिश्तेदारों, तो वो तो चलो आपके खामियां देखने के लिए मतलब बैठे होते हैं ना, वो सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि कोई मतलब इसमें खामी दिखे और इस पर अटैक करें। सबकी बात नहीं कर रही, कई की बात कर रही हूँ, तो बस यही बात है, मैं कहाँ बातों में फंस गई हूँ। तो मैं ड्राइंग बताती हूँ आज मैं क्या बनाने लगी हूँ, और भी ज़िंदगी में मैं जो भी चीज़ें करूँगी मैं दिखाती रहूँगी, आज बस मैं ड्राइंग कर रही हूँ, कल वीडियो भी डालना है तो कुछ भी नहीं है मेरे पास कंटेंट, तो इसलिए मैंने सोचा ड्राइंग की वीडियो बना लेते हैं। तो लेट्स गो और देखते हैं हम क्या बनाते हैं, लेट्स गो। तो अभी मेरा काम यहाँ तक पहुँचा, आप लोग देख सकते हैं ये सारी मैंने ड्राइंग की है आज के दिन। आज के दिन मतलब अभी मेरा हाथ ये वाला ना बहुत थक गया है यार, मेरे ये वाले हाथ में ना दर्द हो रही है, मतलब मैंने अच्छी खासी ये बना दी है, मैंने आप लोगों को दिखाई है ना ये, तो अभी मेरा हाथ दर्द हो रहा है, अभी ना मुझसे हो नहीं रहा काम, मतलब ये बॉल पेन से बनी है, बॉल पेन से जो आर्ट होती है ना उस पर बहुत ही मेहनत लगती है, तो इसलिए मेरा हाथ नहीं अब काम कर रहा है, या तो थोड़ी देर बाद बनाना कंटिन्यू शुरू करूँगी फिर दिखाऊँगी। तो आज मैं ये सोच रही थी कुछ ना मेहंदी टाइप सा हो और इस तरह का कुछ बनाती हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में एकदम ये पैटर्न आया था, और यहाँ पर मैंने जो गलती की, मैंने सोचा ये वाला हाइलाइटर नहीं है मेरे पास ऑरेंज कलर का, करती हूँ शायद स्किन टोन के साथ मैच हो जाए, तो ये स्किन टोन के साथ मैच नहीं हुआ बल्कि ऐसा लग रहा है इसको पीला ही अरकान हो गया, ऑरेंज की अरकान हो गया इसको, चलें छोड़े वो तो कोई नहीं, हल्का फुल्का तो मतलब थोड़ा सा चलता ही है, लेकिन अभी के लिए ये है कि मैं जैसे ही अभी ना इसको कम्प्लीट अब मैं बाद में करूँगी, क्योंकि अभी तो मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, देखूंगी बाद में भी करती हैं ये नहीं याद, ये पूरी ज़िंदगी के लिए अनकम्प्लीट रहेगी ये भी देखते हैं, लेकिन मैं कर लूँगी, अगर मैंने एक दफ़ा अपना माइंडसेट बनाया ना तो मैं एक चीज़ को पकड़ती हूँ ना, पिक करती हूँ, अगर उसका करने का मतलब बनाती हूँ कि मैंने करनी है वो चीज़, तो मैं करके रहती हूँ, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, आर्ट हो, कोई भी चीज़, सफाई भी हो, मैं वो करके रहती हूँ चीज़,
बस मुझे अकेले को करना है, अब खुद करना है सारा कुछ, तो ये बात है बस। तो अभी थोड़ी देर बाद मैं देखती हूँ, जब मेरा दिल करेगा फिर वहाँ से वापस से कंटिन्यू करूँगी और आप लोगों को दिखाती हूँ। और अगर आप लोग अभी भी ऐसे ही मतलब मेरा चैनल देख रहे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाना ताकि आप लोगों को मेरी न्यू वीडियोस मिले। आगे देखते हैं ज़िंदगी में क्या इंटरेस्टिंग रहता है, वरना अभी तक मेरी ज़िंदगी ब्लैंक जा रही है बिल्कुल। अभी जो मैंने न्यूज़ सुनी है ना उसमें ये आया कि मेरे जो रिज़ल्ट है ना वो है 20 जुलाई को या फिर 30 जुलाई को। रिश्तेदारों फ़ोन करके मत पूछना, मैं खुद बता दूँगी अगर मैं पास हुई तो। ये मेरा रिज़ल्ट है, ये रिज़ल्ट नहीं है मतलब इन डेट्स को मेरा रिज़ल्ट अभी फाइनल नहीं है, 20 जुलाई को या 30 जुलाई में ही एंड पे आएगा। तो अभी मैं गई थी बाहर ज़्यादा सारी चीज़ें, मतलब मुझे ये है कि मुझे आज ना मीठा मीठा खाने का दिल कर रहा है तो इसलिए मैं सारी मीठी मीठी चीज़ें लेके आई हूँ। और सेकंड मैं कॉफ़ी लेके आई हूँ क्योंकि मेरा कॉफ़ी पीने का दिल कर रहा है। दूसरा मेरे सर में भी दर्द हो रहा है तो इसलिए तो मैं कॉफ़ी बनाती हूँ। और ये मैं दूध ले आई हूँ, अब मैं एक कप दूध डालूँगी और साथ ही नेस्कैफे की मैंने कॉफ़ी ली है जो कि मुझे बहुत पसंद है। ये मतलब मिल्क कॉफ़ी नहीं है, ब्लैक कॉफ़ी है। इस वक्त मेरा दिल कर रहा है मग भर के ना मैं पूरा जो कप होता है वो कॉफ़ी का पीऊँ, इतना मुझे मतलब दिल कर रहा है। मैंने काफ़ी देर होगी नहीं पी क्योंकि गर्मियों में नहीं पीते हैं कॉफ़ी, दाने भी बनते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो अभी मैं इसमें दूध ऐड करूँगी थोड़ा ज़्यादा सा और इसको गर्म होने दूँगी अच्छे से। मुझे एक बहुत पुरानी आदत है बन खाने की, मक्खन लगा के। तो कल मैं बन खा रही थी, मुझे भूख लग रही थी रात को, मेरा दिल भी कर रहा था मीठा मीठा बन खाने का मक्खन लगा के। तो मैंने वो खाया तो तला भाई को फरमाइश, तला को मैंने पहली बार खिलाया, उसने कभी मक्खन के साथ बन नहीं खाया। तो जैसे उसने खाया ना वो कहता है मैंने आइंदा से सुबह के टाइम नाश्ते में खाना ही है, तब उसके लिए बन आ रहा है। तो मतलब वैसे मेरे लिए आता था, अब ज़्यादा आ रहे हैं। या फिर वो स्कूल जाता है रोज़ इसीलिए बन आया तो मैंने भी ले लिया एक। अभी मैं शायद बन खाऊंगी वरना मैं मीठा भी बहुत ज़्यादा लेके आई, मैं दिखाती हूँ आप लोग को। इसमें मेरे पास ना बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं मैं मीठे में लेके आई हूँ, तो ये रही मीठे में चीज़ें, मैं दिखाती हूँ क्या क्या लेके आई हूँ। ये चॉकलेट मेरी फेवरेट है इसलिए मैं ये बहुत ज़्यादा खाती हूँ, कैरमल बिस्किट और चॉकलेट, ये मतलब बहुत अच्छा टेस्ट देती है और ये भी मुझे पसंद है आजकल की फेवरेट। और बटर स्कॉच ये तो मुझे बहुत ही पसंद है, कैंडी ये भी फेवरेट जा रही। ये है कोकोमो की चीटिंग, इसका टेस्ट मैंने कल टेस्ट किया था अच्छा नहीं है ज़्यादा, कोकोमो तो कोकोमो है ना फिर यार। और ये फ्लो, बस यही मेरे पास चीज़ है मीठे में, मीठा मीठा आज मैंने सिर्फ मीठा मीठा करना है। गैस चलेगी फिर, मैंने ना मीटर चलाया जिसकी वजह से गैस आए। अब अच्छे से हम इसको पकाते हैं, आराम से खड़ी बातें कर रही हूँ, पीछे गैस ही बंद है, मैंने देखा ही नहीं एकदम, मैंने देखा कि मुझे आवाज़ क्यों नहीं आ रही तो मैंने जैसे ही देखा गैस बंद थी। तो अभी मैंने चलाई है वापस से मीटर क्योंकि 10 बजे से ऊपर टाइम हो गया। मैंने इसको रात को ही कंप्लीट कर लिया क्योंकि मुझे पता था मैं सुबह तक का वेट नहीं कर सकती, एक चीज़ मैंने करनी है तो मैं उसी टाइम करके रहती हूँ। तो यही मेरी वीडियो थी, अच्छी लगी है सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें। बाय, अल्लाह हाफिज।